हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। एंड आज की वीडियो है डाइट प्लान फॉर वर्किंग वुमेन। बीइंग अ वर्किंग वुमेन, आप घर तो संभाल ही रहे होंगे आई एम श्योर, उसके साथ साथ आप अपने फाइनेंसेस संभाल रहे होंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट संभाल रहे होंगे, अपने घर वाले संभाल रहे होंगे, अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर, अपना लाइफ पार्टनर, एंड उसके साथ साथ आप अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मैनेज कर रहे होंगे। आई एम श्योर आपके पास खुद के लिए बिल्कुल समय नहीं होगा, आई एम श्योर आपके पास खुद की सेल्फ केयर करने के लिए भी समय नहीं होगा। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप जो पैसे कमा रहे हो जिससे आप बहुत लोगों का घर चला रहे हो, मैं बहुत लोगों का घर चला रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, एंड मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करती, बट बहुत सारी चीज़ें हम वर्किंग वुमेन होती हैं ना, बहुत कुछ कर रही होती है अंदर ही अंदर, एंड बहुत सारे लोगों का घर सेटल कर रही होती है, चला रही होती है, बहुत लोगों को काफ़ी कुछ हेल्प कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे अगर जो अमाउंट आप अर्न कर रहे हैं वो अमाउंट से आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे ढंग से खुलकर, फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े एमएनसी में जॉब कर रहे हैं एंड आपका मंथली पैकेज होगा एक सर्टेन अमाउंट, उस सर्टेन अमाउंट में से अगर आप शॉपिंग करने जाते हो, आपके पास कपड़े चढ़ रहे हैं डबल एक्सएल और या फिर 3XL, या फिर जो आप खरीदना चाहते हो वो खरीद ही नहीं पा रहे, तो आपने क्या पैसा कमाया? सच बता रही हूँ, आपने क्या पैसा कमाया? उसके साथ दूसरी जगह मैं ये भी देखती हूँ कि मान लो अब आप बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स आते हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारे पैरामीटर्स अप एंड डाउन दिखते हैं, तो फिर आपने क्या पैसा कमाया? नंबर 3, अगर मान लो आप 10 लोगों के बीच में खड़े हो और आपका मंथली इनकम जो है वो एक सर्टेन एक्स वाई जेड अमाउंट है और आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही डैमेज है, खराब है, दिखने लायक भी नहीं है, अरे क्या पैसा कमा रहे हो और क्या लाइफ में कर रहे हो? सच बता रही हूँ, आप एक कॉर्पोरेट मीटिंग में जा रहे हो जहाँ पे बहुत ही अच्छा फॉर्मल्स चल रहे हैं, प्रोफेशनल लोग खड़े हुए हैं ना, वहाँ पे आपके शरीर के ऊपर कोट पैंट का आपके जो ब्लेजर है उसका बटन ही नहीं बंद हो रहा, आपने क्या पैसा कमाया? नहीं, आज की वीडियो में मैं बात करती हूँ डाइट प्लान फॉर वर्किंग वुमेन। जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं उन सबको प्रोटीन का इंटेक का बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्लीज़ अगर आप किसी भी लो कार्ब डाइट पे हो या फिर आप कार्ब्स खत्म करके डाइट कर रहे हो, देन प्लीज़ उसको स्टॉप कर दीजिए। नंबर 1, वो आपके प्रोफेशनल करियर पे भी पॉइंट आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक क्लाइंट है, 2016 की बात बताती हूँ, 17 की, जब मैं बिल्कुल बिगनिंग स्टेज पे थी अपने इस करियर में, एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला, सुमन मेरी शादी है, मुझे कार्ब्स हटा दो सारे। मैंने हटा दिए सारे कार्ब्स। अब उनकी मीटिंग थी जो कि बहुत हाई एंड स्केल पे मीटिंग थी, एंड वो मीटिंग में बिल्कुल ब्लैंक हो गई, एंड उनको समझ ही नहीं आया उन्होंने क्या बोलना है। देन वो बाहर गई, उन्होंने कुछ खाया जो भी उनको मिला, एंड उसके 15-20 मिनट बाद वो वापस आई, एंड देन उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। विच मीन्स कि आपको अपने वर्क को प्रोडक्टिव रखने के लिए बहुत सारा अच्छा सा खाना चाहिए और आपके मूड स्विंग्स को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, एंड उसके साथ साथ आपका वेट लॉस भी होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ हम लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है ना कुकिंग का। आपके पास टाइम है कुकिंग का? ना, मेरे पास टाइम है कुकिंग का, मैं मूडी हूँ। इफ आई अपसेट मैं जाऊंगी खाना बनाऊंगी, इफ आई एम हैप्पी मैं जाके खाना बनाऊंगी। आप लोगों का क्या है मुझे कमेंट करके बताना। एक और चीज मैं बोलती हूँ इस डाइट को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है डाइट में या फिर किसी भी चीज में, बहुत सारे लोग कहते हैं नाइट शिफ्ट की डाइट चाहिए, तो आप मेरे ये इंस्टा पे आके डीएम में मुझे वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे सारा का सारा वॉइस नोट पे हेल्प करके बिल्कुल सॉल्व कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पर, आप जो डाइट में बनाने बता रही हूँ वो है थोड़ी सी कम कुकिंग वाली, रोटी सब्जी पराठे। अगर मैं बोलूँ सुबह सुबह आपको बनाने के लिए, आप कहोगे बाद में जा भाई, मैं सबवे का अपना रैप उठा के मैं अपना ऑफिस जा रही हूँ। नो, हमें कुछ इस तरीके का डाइट करना है जिसमें कुकिंग लेस रिक्वायर्ड हो, हमारे प्रोटीन का इंटेक हाई हो और उसके साथ साथ खाना बड़ा टेस्टी भी हो। बट हमको डाइट शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए वर्किंग वुमेन्स के लिए? सबसे पहले हमें चाहिए मिल्टन या डबलिन का वास, बिल्कुल अच्छा सा एक टम्बलर, गरम रखने वाला एक थर्मस टाइप टम्बलर, जो कि 2 से 3 हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर हम अपनी आयुर्वेदिक टीज नहीं लेंगे तो हम अपने मूड स्विंग और गुस्से को कैसे कंट्रोल करेंगे और हम खाना कैसे कंट्रोल करेंगे? हमें तो भूख लगती है ना बहुत ज़्यादा। नंबर 2, हमें चाहिए बहुत अच्छे अच्छे टिफिन बॉक्स। नंबर 3, हमें चाहिए एक लंच बॉक्स वाली बास्केट, बहुत क्यूटी पाई सी बास्केट, बहुत सारी मिलती है अमेजोन पे। नंबर 4, हमें चाहिए वेइंग स्केल, एंड नंबर 5, हमें चाहिए एक फोकस कि आपके ऑफिस के आसपास वाले लोग जो मर्जी खा रहे हो, हमें वो खाना है जो हमारा डाइट है, क्योंकि यहीं पे ये लोग बाद में पूछेंगे आप लोगों से, आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपका वेट लॉस हो रहा है। बात होगी बहुत सारी, अब हम स्टार्ट करते हैं ये डाइट, एंड बहुत सिंपल डाइट है।
मैं मंडे टू फ्राइडे का एक डाइट सिंपल बताऊंगी एंड सैटरडे संडे जब आपकी छुट्टी है उसका थोड़ा सा अलग बताऊंगी, ठीक है। मंडे से फ्राइडे तक का हम अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेंगे, उससे पहले आपने ध्यान रखना आपने अपना वेट चेक करना है। नो मैटर्स कितनी मीटिंग है, नो मैटर्स कितने कॉन्फ्रेंस कॉल है, नो मैटर्स आपको कहाँ भागना है, नो मैटर्स आपकी क्लासेस हैं, नो मैटर्स आपके स्कूल्स में कोई भी फंक्शन है। जितनी भी टीचर्स होती हैं वो बोलती हैं हमें स्कूल में कहाँ था सुमन, हम वेट चेक करना भूल गए। आपने अपना वेट चेक करना, पॉटी करना नहीं भूल रहे, ब्रश करना नहीं भूल रहे, नहाना नहीं भूल रहे, वेट चेक करेंगे, कहीं पे लिखेंगे और उसके बाद आप अपने किचन में जाएंगे। किचन में जाके सबसे पहली चीज आपने लेनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक कौन सी लेनी है, हमने सोप मेथी वाटर। सबसे पहली चीज ये आपको कभी भी डायबिटीज नहीं होने देगा। नंबर टू, आपके गुस्से को मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेगा। नंबर थ्री, आपको एनर्जी बरकरार करेगा। नंबर फोर, आपकी बॉडी के सारे इन्फ्लेमेशन को ठीक करेगा। इसको हम कैसे लेंगे, सोप किया हुआ मेथी दाना वाटर, रात को होमवर्क करके सोएंगे, ठीक है। कैसे, चलते किचन। ये है मेरा मेथी दाना का पानी, ये मैंने सोक करके रखा था रात को एंड मॉर्निंग में उठ के इसको गर्म नहीं करना, मौसम बहुत गर्मी का है, इसको एज इट इज हम पी जाएंगे। और नीचे के जो मेथी दाना है आधा चम्मच अगर आप खा पाओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये वाला जो मेथी दाना है दोबारा ये रीयूज भी कर सकते हैं हम नेक्स्ट डे के लिए। नंबर टू, अब आता है जी ब्रेकफास्ट की बारी। नाउ ब्रेकफास्ट में अगर मैं आपको बोलूँ कि सुबह सुबह पराठे बनाओ, सैंडविच बनाओ, आप नहीं बना पाओगे, सच बता रही हूँ, आप नहीं बना पाओगे। ब्रेकफास्ट में हमें कुछ ऐसा नाश्ता खाना है जो कि क्विक हो, इजी हो और रेडी टू मेक हो। सबसे पहली चीज आप एग्स ले सकते हो, 2 से 3 उबले हुए एग्स विद योग एंड 1 ब्राउन ब्रेड का टोस्ट। अगर वो नहीं हो पा रहा, आप वेजिटेरियन हो, अगर आपको मैं बताऊं कि रात को आप अपना नाश्ता बना के रख सकते हो क्या। मेरी मदर मुझे खिलाती थी जब भी उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, वो बहुत टाइम से बीमार रहती हैं, तो वहां पे हम लोगों को मिलता था जैगरी और सौंफ की रोटी। ये रोटी ऐसी है कि ये 2 दिन चल जाती है और मम्मा एक साथ ही बना के इतनी सारी रख देती थी और वो बहुत सिंपल रोटी है एंड बहुत फिलिंग भी है। सुबह हमें मिलती थी वो रोटी, हम चलते चलते स्कूल में वो रोटी खा के जाते थे, 2 दिन तक बिल्कुल ठीक रहती थी। वो रोटी कैसे बनानी है, चलते किचन में। सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट का बेस्ट वाला ऑप्शन जिसको मैं लेके कहती हूँ, ये है हमारा जैगरी का पूड़ा और ये इतना स्वाद है। इसमें मैंने डाला है बार्ले का आटा, हमारी जौ का आटा, सौंफ डाली है जो मोटे वाले सौंफ होते हैं हमारे, और मैंने इसमें डाले हैं फ्लैक्स सीड्स। अब इसका ना मैं आटा गूंद रही हूँ। जो पानी है ना मेरे पास वो मैंने लिया है 1/2 कप पानी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है और गर्म पानी लिया है ताकि वो गुड़ अच्छे से उसमें मेल्ट हो जाए पानी में, एंड उस पानी से मैं आटा गूंद रही हूँ। एंड आटा जो है ना ये थोड़ा सा हार्ड आपको फीलिंग देगा, उसको बहुत अच्छे से गूंदना है ताकि वो प्रॉपर शेप में आ जाए और फटा हुआ आटा ना दिखे आपको, ना जैसे फटा फटा आटा होता है। अब इसके हमने पेड़े बना लिए हैं, बहुत सिंपल सा है। इसकी बनाएंगे हम रोटी एंड इसको हम थोड़े से घी के साथ अच्छे से सेकेंगे। इसकी शेप दे रही हूँ मैं यहाँ पे गोल एंड इसको बहुत अच्छे से अब हम सेकेंगे। इसके ऊपर ना मैंने प्योर देसी घी लगाया है, ये घी भी पता है घर का बना हुआ है मेरे पास। इसको करारा कर लेंगे बहुत अच्छे से और इसको ना बिल्कुल बना के फॉइल पेपर में लपेट के इसको, बट मेक श्योर करना कि कॉर्नर्स इसके अच्छे से सिके हों क्योंकि ये मोटी रोटी है थोड़ी सी एंड ये कच्ची ना रह जाए अंदर से, तो इसको बहुत अच्छे से सेकेंगे। ये देखो मैंने बनाई है 3 रोटी, मेरे यहाँ से कोई ट्रैवल कर रहा है तो मैंने उनके लिए 3 रोटी बनाई है और ये लंबा चलेगी। ये रोटी आप रात को बना के रख सकते हैं एंड आराम से खा सकते हैं सुबह नाश्ते में। और ये सूखी और ड्राई और मतलब कि ठंडी रोटी ही पसंद आती है ये, और इतनी स्वाद है ये रोटी कि आपका पेट भर जाएगा। नंबर टू, यहाँ पे मैं बात करती हूँ हमारे ओवरनाइट सोक तिरामिसु। अरे इतनी बढ़िया रेसिपी है, मज़ा आ गया सुबह में नाश्ते में खाई है। कैसे बनाना है, बहुत सिंपल रेसिपी है, चलते हैं किचन में। ये ना मेरी बेस्ट बेस्ट रेसिपी है तिरामिसु की, मैं इसको क्या बताऊँ, मैं इतनी पागल हूँ इस तिरामिसु के पीछे एंड मैंने घर पे काफ़ी वर्जन बनाए थे पता है तिरामिसु के, तो मैं पहला वर्जन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कॉफ़ी लिया जो घर पे देसी कॉफ़ी होती है, उसमें पानी डाला, अच्छे से मिक्स करा, ब्रेड के 4 पीसेस लिए, मल्टीग्रेन ब्रेड है मेरे पास, उसके 4 पीसेस लिए, कॉफ़ी में डिप कर दिया। अब मैं बना रही हूँ हमारा क्रीम। मैंने ओट्स लिए, कोई से भी ओट्स आप ले सकते हो, मैंने घर का बना हुआ पनीर डाला इसके अंदर, मतलब डिपेंड कि आपको कितने लोगों के लिए बनाना है, थोड़ा सा ही पनीर डाला, आप क्वांटिटी देख सकते हो। 2 से 2.5 चम्मच मैंने वो दही डाला है एंड यहाँ पे मैं वनीला एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, टेस्ट भी तो आना चाहिए। ये डाल दिया मैंने हनी, और हनी मैंने मेरे ख्याल से 1.5 से 2 चम्मच डाला और ब्लेंड कर दिया। देखो कितना प्यारी क्रीम बनी है, मीठी मीठी प्यारी सी क्रीम। अब ना इसकी लेयरिंग करनी है, कुछ खास नहीं करना, जस्ट अ लेयरिंग करनी है। ये कॉफ़ी में डिप किए हुए ब्रेड्स लगाए, फिर चारों तरफ हमने वो क्रीम लगाई, दोबारा से एक और लेयर हमने 2 ब्रेड्स का लगाया, स्लाइसेस ब्रेड्स का ना, ऊपर से मैंने यहाँ पे क्रीम लगा दी,
तो ये लेयर करते 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 आप इसको रात भर फ्रिज में रख सकते हो, और सुबह उठ के आपके पास जो आपका नाश्ता हैंडी है, और बहुत फुलफिलिंग है, बड़ा क्रेविंग को सेटिस्फाई करता है। सोचो गर्मियों में ठंडा ठंडा नाश्ता आपको ऐसा मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये बनाने में कोई हार्डकोर टफ है। रात को बच्चों के साथ खेलते हुए या बात करते हुए आप आराम से बना सकते हो। एंड यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा कॉफ़ी का, मैंने मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया कॉफ़ी, और ये रखने जा रही हूँ मैं फ्रिज में। एंड ये मैं सुबह अपने इंस्टा पे भी डाल दूंगी, उस पर आ जाना मेरे पास। तो ये दोनों तो होगी रात की प्रेप वाली। अब अगर आपको ये खाने का मन नहीं, अब और आप क्या ले सकते हो, आप बेसिल सीड की पुडिंग ले सकते हो मेरे चैनल पे रेसिपी, आप चिया सीड पुडिंग ले सकते हो, वेराइटीज़ की मेरे चैनल पे रेसिपीज़ है, आप ओवरनाइट सोक्ड ओट्स ले सकते हो, वेराइटीज़ की मेरे चैनल पे है। ये तो हो गया हमारे मंडे टू फ्राइडे तक का गेम, नाउ आता है सैटरडे संडे। मैं चाहती हूँ सैटरडे संडे में आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए दैट शुड बी अ पराठा, पोहा, इडली सांभर, डोसा या दाल का चीला। क्योंकि यार सैटरडे संडे तो कुकिंग करना बनता है ना, सैटरडे संडे तो चेंज करना बनता है। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। नाउ मंडे टू फ्राइडे मिड ब्रेकफास्ट हमारा रहेगा, आप ऑफिस में कैरी करोगे कोई भी एक सीजनल फ्रूट और अपने साथ ग्रीन टी, किसी भी टाइप की टी के पाउचेस। ऑफिस में जाके आपने गरम गरम मग्गे में टी डालनी है और फ्रूट खाना है अपना जैसे आप ऑफिस में पहुंचोगे। अब ये मैं पैक कर रही हूँ आपका मिड ब्रेकफास्ट। नाउ मिड ब्रेकफास्ट में कोई भी सीजनल फ्रूट, यहाँ पे लीची ले लिया, एप्पल ले लिया, उसके साथ आपने डालना है एक पाउच आपका ग्रीन टी का। इसमें डाल दिया साइड में, इसको हमने डब्बा बना दिया। ऑफिस में सुंदर सुंदर आपके डेस्क पे मैं श्योर हूँ आपके पास मग्स होंगे, और उसमें हम ये ग्रीन टी बनाएंगे और साथ में हम ये फ्रूट्स खाएंगे। लेट नहीं करना कि 11 बजे खा लूंगी, 12 बजे खा लूंगी। नाश्ता हो गया 9 बजे, 10:30, 11 बजे तक हमारा मिड ब्रेकफास्ट। नाउ अब हम बात करते हैं लंच की। नाउ लंच एक ऐसी चीज़ है जो कि 90% वर्किंग वुमेन्स जो होती है वो कैंटीन से खाती है। हमारे ऑफिस में लंच मिलता है सुमन, हमारी मेस में लंच मिलता है सुमन, हमने वहाँ से खा लिया, यहाँ से खा लिया, नो। सुबह 5 से 10 मिनट लगाना है, आपने खिचड़ी बनानी है अपने लिए, और मेरे चैनल पर वेराइटीज़ की खिचड़ी है, हाई प्रोटीन खिचड़ी, व्हाइट चना और दलिया की खिचड़ी है, राजमा चावल के है हमारे पास, हमारे पास ब्लैक चना और दलिया की खिचड़ी। आप दलिया बना के लेके आ सकते हो, किनुआ बना के लेके आ सकते हो, आप कोई सी भी खिचड़ी, मेरे चैनल पे मेरे ख्याल से 17-18 खिचड़ी इसकी रेसिपीज़ है। आप कोई सी भी खिचड़ी बनाओ और अपने साथ कैरी करो। साथ में लेनी है दही की कटोरी और खीरा प्याज टमाटर की सलाद। आप ऐसी रॉ लेके चले जाओ बेशक से खीरा प्याज टमाटर, और ऑफिस में अगर आप कट कर पाओ बहुत अच्छा, नहीं कर पाओ तो आप खीरे को जस्ट रैंडमली खा सकते हो, और प्याज को आप तोड़ के जैसे कूट के खाते हैं वैसे भी आप खा सकते हो, बट मेक श्योर आपके डाइट में सैलेड एंड दही जानी ही जानी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग टी में मैं आपको दो टी देना चाहूंगी, सबसे पहले है शतावरी, सबसे सेकंड है हमारी मंजिष्ठा। इनको अल्टरनेट करके आप लेंगे, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगी एंड आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेगी एंड भूख को भी कंट्रोल करेगी। जिस जिस बंदे ने इवनिंग टी का स्टेप स्किप किया कि मैं घर जाके 6 बजे ले लूंगी या 7 बजे ले लूंगी, जाने मन आपका वेट कम नहीं हो सकता। आपने सुबह ही ये टी अपने टम्बलर में बनाकर लेके आ जानी है, मिल्टन और वास का जो मैंने बताया था ना अभी टम्बलर, मिल्टन एंड डबलिन का, बड़े क्यूटी पाई टम्बलर आते हैं। अब आपके ऑफिस में गर्म करने की जगह नहीं है या आप गर्म नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स एब्सोल्युटली ओके। आपने क्या करना है, इसको सिंपली ठंडा पी लेना है, आपके वास में होगा, ठंडा पी लो, और उसके साथ आपने डब्बी बना के लेके आनी है बहुत सारे नट्स की, काजू, बादाम, खजूर, अंजीर और किशमिश, नट्स की सोक करा हुआ, ठीक है नहीं करा तो ऐसे इट इज लेकर आओ, और वो डब्बा पूरा आपने लेकर आना अपने साथ। अब ये बना रही हूँ मैं आपकी इवनिंग टी का सामान रेडी। इवनिंग टी में आप देखोगे अगर मेरे पास, तो एक डब्बी में मैंने डाले हैं खजूर, आपकी भूख कंट्रोल कर देगा शाम की, थोड़ा सा भुना हुआ चना, हमारे पास अखरोट, हमारे बादाम, और ये पूरा मिक्सचर बना के मैं लेके जाऊंगी ऑफिस में, और उसके साथ साथ मेरी मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट वांटेड वाली चीज़ ये है मेरे पास शतावरी की टी। अब देखो ये ठंडी हो चुकी है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ठीक है, अब ये ठंडी हो चुकी है नॉर्मल टेम्परेचर पे, इसको हम एज इट इज़ पियेंगे, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, और इस तरीके के टम्बलर की इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। थोड़े से महंगे आते हैं बट सच बताऊँ 8 से 9 घंटे तक फ्रेश रहते हैं। तो ये रेडी हो गया हमारा इवनिंग टी। अब बात आती है डिनर की, सबसे क्रिटिकल पार्ट, थका हारा बंदा घर आया है तो अब मैं क्या बनाऊँ ऐसा जिसमें मेरी एनर्जी कम लगे और मुझे खाना पेट सेटिस्फाई हो जाए। मैं यहाँ पे बोलूँ स्मूदी और सूप पे जी लो, यार आप तो सो ही नहीं पाओगे, पूरे दिन की मेहनत करी है यार आपने। अब मैं बताऊँगी आपको एक ग्लूटेन फ्री रैप हरा भरा
इतना सिंपल रैप है और इतने इजी बन जाता है, हार्डली इट विल टेक 3 to 4 मिनट्स। कैसे बनाना है चलते किचन में। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरा हाई प्रोटीन रैप, बहुत ही सिंपल है। ये लिया मैंने 2 चम्मच जितना बेसन एक रैप के लिए, इससे ज़्यादा बेसन नहीं लगेगा जी। इसमें मैं डाल रही हूँ मेरा थोड़ा सा धनिया, ठीक है, 5 से 6 पत्ते पुदीने के। इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा मसाला, मतलब मेरे को लगता है इतना तो हर कोई बंदा कर ही सकता है कुकिंग में ना। नमक डाला मैंने इसमें, मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी इसमें, इसमें मैंने थोड़ा सा मेरा अजवाइन डाल दिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ये डाल दिया जी मैंने थोड़ा सा पानी। अब इन सबको हम कर देंगे ब्लेंड। ये हो गया मेरा लिक्विड मिक्सचर तैयार, अब इसका बनाएंगे हम चीला। इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारा मिक्सचर एक रैप के लिए। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी पनीर, इसके ऊपर लगा दूंगी थोड़े से हमारे प्याज, एक दो स्लाइस टमाटर, इसके बीज नहीं निकले हुए तो ये हटा देते हैं अच्छे से। अब हम गैस बंद कर देंगे, पक चुका है हमारा रैप, इसको बहुत अच्छे से हम फोल्ड कर देंगे एंड हमारा रैप बिल्कुल तैयार है। ये रहा हमारा रैप एंड इट्स सो यम्मी। वेलकम बैक। अगर आप ये रैप लेना पसंद नहीं कर रहे हो, आपको कुछ इजी बीजी चाहिए, पनीर की बहुत सारी सैलड्स है मेरे चैनल पे, आप ये ले सकते हो। अगर आपको कुछ चिल्ड चाहिए, ठंडा, गर्मी है ना, बिल्कुल आपका मूड ही नहीं है खाने का, गुलकंद का मिल्क शेक गोंद कतीरा वाला, मैंगो शेक गोंद कतीरा वाला। गोंद कतीरा डेफिनेटली ऐड करना, बहुत फीलिंग होता है एंड आपके पूरे दिन की बॉडी जो एग्जॉस्ट है उसको शांत करेगा, भूख को शांत करेगा। एंड गोंद कतीरे के शेक सारे मेरे चैनल पे रेसिपीज़ हैं, मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक में हम ऐसा क्या लें जिससे हमें नींद आ जाए, क्योंकि पूरे दिन का स्ट्रेस तो है ही, अगले सुबह का भी स्ट्रेस है, बट नाइट ड्रिंक से पहले आपने मॉर्निंग का होमवर्क करके सोना है। आपका मेथी दाने का वाटर सोक होना चाहिए, आपका चिया सीड पुडिंग होना चाहिए या फिर ओवरनाइट ओट्स होने चाहिए या फिर बैसल सीड की पुडिंग होनी चाहिए एंड उसके बाद जाके आप सोने जाओगे। और जिस चीज़ की खिचड़ी बननी है वो भी आपके डब्बे में होना चाहिए। नहीं, अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। कैमोमाइल टी या फिर आपकी लेमन ग्रास टी, कृपया करके दया करो खुद की बॉडी पे और लेकर सो जाओ बढ़िया से। अब आती है सेल्फ केयर की बात, उसके लिए मेरा ये चैनल है सुमन सनशाइन हैप्पीनेस करके, एक मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, उस पर आ जाओ, वहाँ पे मैं सेल्फ केयर के बहुत सारे टिप्स डालती रहती हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी। जितना मर्जी जहाँ पे भी हो, 6 बजे से पहले पानी का मैक्सिमम इंटेक कर लो, 6 बजे के बाद जितना पानी हो उतना पीना, जितनी प्यास है आप। ये नहीं घर जा रहे हो 6 बजे 7 बजे लगा के पी ले 3 लीटर पानी, चक दे फटे, सुबह उठ के वेट देखा हो गया, समझ आया। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके साथ, कभी भी कोई भी मील स्किप मत करना। मीटिंग्स चल रही हैं, फंसे हुए हो, कहीं पे भी हो, मील स्किप मत करना। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। एंड संडे का जो लंच रहेगा एंड संडे का जो डिनर रहेगा, संडे का जो लंच हमारा जाएगा दैट शुड बी अ गुड वाला, कोई भी दाल चावल, आपके राजमा चावल आप बना सकते हैं। एंड उसके साथ साथ डिनर शुड बी अ वेरी हेल्दी सूप्स और टिक्की। मेरे चैनल पर बहुत सारी टिक्कीज की रेसिपीज है, हाई प्रोटीन टिक्कीज। So I hope this video is useful and I love you all working women by heart because you guys are doing great. मुझे पता है मैं कैसे अपनी 7 साल के करियर में, मतलब कि मैंने 2 दिन भी ब्रेक नहीं लिया, मैं बहुत तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपने पे ले भी लेते हैं, अपने पे छोड़ भी देते हैं। या वी आर डूइंग अ गुड जॉब। या टेक केयर जी, बाय बाय।